तो जी ऑल्टो VXR या कोरे, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक इंजन फिट आ जाता है बोल्ट ऑन फिटिंग पर या फिर ऑल्ट्रेशन में। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि बोल्ट ऑन फिटिंग, क्योंकि हर किसी की यही कोशिश होती है कि यार हम एक गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर कोशिश यही होती है कि गाड़ी को जेन्युइन रखें, ऐसा ही है ठीक है। तो जेन्युइन जो है बोल्ट ऑन फिटिंग में दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन आ जाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कोरे, लेकिन इंजन डलवाने से पहले आपको गाड़ी भी परचेस करनी पड़ेगी। तो इससे पहले हम वो करते हैं कि गाड़ी की क्या रेट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोरे अच्छी गाड़ी है, चलो हम हमारे गले में दर्द हो गए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो यार, कर ही नहीं रहे यार कालू भाई, गलत बात है। नहीं हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ऑटो पार्ट्स वाला से हम्माद अजीज एक दफा फिर आज आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसी गाड़ियों की जिसके काफी ज्यादा लवर्स होते हैं और इस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा लोग उस पर पसंद करते हैं। बस एक डिस्टर्बेंस का जो है सब शिकार होते हैं कि कौन सी गाड़ी के अंदर जो है ऑल्ट्रेशन या ऑटोमेटिक इंजन 660cc का इंस्टॉल हो सकता है बोल्ट ऑन फिटिंग पर या ऑल्ट्रेशन के अंदर। दोनों गाड़ियों के अंदर बोल्ट ऑन फिटिंग के अंदर भी हो सकता है, ऑल्ट्रेशन पर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। वो कौन कौन से इंजन है जो कि आप इन दोनों गाड़ियों में से लगा सकते हैं वो तो आपको थंबनेल में पता लग गया कि कौन कौन सी गाड़ियों के अंदर आज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, एक ऑल्टो VXR और एक कोरे, कौन कौन से इंजन आप इन गाड़ियों के अंदर लगा सकते हैं, इंजन के क्या प्राइसेस हैं, मॉडल्स क्या हैं, वो आगे वीडियो में आप देखने वाले हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, गाड़ियों की मॉडिफिकेशन की वीडियोस और मुख्तलिफ कार प्रोजेक्ट जैसे ऑटोमेटिक इंजन, मैनुअल से ऑटोमेटिक गाड़ियां कन्वर्जन, पुरानी गाड़ियां जो होती हैं स्क्रैप कार्स उनको रिस्टोर, डेंट पेंट के एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। जल्द अज जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी ऑल्टो VXR या कोरे, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक इंजन फिट आ जाता है बोल्ट ऑन फिटिंग पर या फिर ऑल्ट्रेशन में। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि बोल्ट ऑन फिटिंग, क्योंकि हर किसी की यही कोशिश होती है कि यार हम एक गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर कोशिश यही होती है कि गाड़ी को जेन्युइन रखें, ऐसा ही है ठीक है। तो जेन्युइन जो है बोल्ट ऑन फिटिंग में दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन आ जाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कोरे, लेकिन इंजन डलवाने से पहले आपको गाड़ी भी परचेस करनी पड़ेगी। तो इससे पहले हम वो करते हैं कि गाड़ी की क्या रेट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोरे अच्छी गाड़ी है 2003-04 मॉडल, 4, 4.5 लाख या इससे ऊपर के मॉडल पे जाते हैं 6 लाख 7 लाख, तकरीबन दोनों की प्राइसेस सेम है। अब ऐसे ही आप ऑल्टो लेते हैं 2003-04 या 2002-03 मॉडल वाली, वो आपको 4, 4.5 लाख में मिल जाएगी। थोड़े से अपर मॉडल की तरफ आप जाते हैं तो आपको 6 लाख 7 लाख रुपए की मिलेगी अच्छी गाड़ी बॉडी वाइज। अब बात करते हैं कि कोरे के अंदर आप कौन सा बोल्ट ऑन फिटिंग वाला इंजन डाल सकते हैं और ऑल्टो के अंदर आप कौन सा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कोरे के ऊपर कि आप कोरे के अंदर कौन सा ऐसा ऑटोमेटिक इंजन लगाएंगे जो कि कोरे के अपने फाउंडेशन पर बैठी है। तो वो दो इंजन है, एक है मीरा का ओल्ड मॉडल वाला 2003-04-05 मॉडल वाला इंजन जो कि गोल्ड टेपेड कवर के अंदर आता है, EF उसका इंजन नंबर होता है ठीक है। वो कोरे के अंदर बोल्ट ऑन फिटिंग पर अपने ओरिजिनल फाउंडेशंस के अंदर आ जाता है। सेकंड नंबर पर है ड्यूट का ऑटोमेटिक इंजन 660cc में, वो भी कोरे के अपने फाउंडेशंस पर अपने ओरिजिनल फिटिंग के अंदर जो है आ जाता है। और कोरे के अंदर आपको एक सहूलत मिलती है कि अगर आपने गाड़ी ले ली, आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा है, कार्बोरेटर है लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस वाला है, कड़क इंजन है, तो आप उसके अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक गियर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कोरे का अपना ऑटोमेटिक गियर भी लग जाता है, ड्यूट का भी लग सकता है, दोनों के गियर तकरीबन सेम है ठीक है जी। अगर आपने अपनी गाड़ी का ऑटोमेटिक करवा लिया और आपका जो है बजट नहीं है कि आप इंजन भी इसका चेंज करें, तो कोरे के अंदर आपको एक ये चॉइस मिलती है कि आप फिल वक्त जो है घेर लगवा लें, फिर थोड़े टाइम बाद घेर आप वही रहने दें और ड्यूट का इंजन वाला सेटअप आप उसके साथ लगवा सकते हैं, ड्यूट का इंजन, मीरा का नहीं लगवा सकते। तो कोरे के अंदर दो इंजन है बोल्ट ऑन फिटिंग पर जो आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि कोरे के अंदर वो कौन कौन से इंजन है जो कि ऑल्ट्रेशन में लग सकते हैं।
अब देखे कोरे जो गाड़ी है वो है 150 ब्रांड की, ठीक है। तो अब कोशिश यही किया करें कि अगर जैसे 150 की गाड़ी है तो आप इसके अंदर 150 का ही इंजन डालें। अब कोरे के अंदर है, कोरे के अंदर मैं 150 मीरा वाला इंजन ही क्यों बोलता हूं, उसकी वजह यह है कि 150 ब्रांड दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ब्रांड अगर मिक्स हो जाए तो गाड़ी की वैल्यू अच्छी हो जाती है, वैल्यू नहीं गिरती। अब आप 150 गाड़ी के अंदर सुजुकी का इंजन डालेंगे तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये कहानी बेकार है। तो 150 के अंदर 150 का इंजन डाले, लाइक 150 कोरे है, तो उसके अंदर आप ऑल्टरेशन में जो है 150 मीरा का 660 cc 2006 से लेकर 11 मॉडल के अंदर जो इंजन आया है KF सीरीज, वो इंजन आप लगा सकते हैं, वो बेस्ट इंजन है, ठीक है जी। पुराने मॉडल वाला जो इंजन है बोल्ट ऑन फिटिंग पर आ जाता है वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको मॉडल पर डाउट है, आप चाहते हैं कि नए मॉडल वाला डलवाएं, तो नए मॉडल में ऑल्टरेशन है, बाकी इंजन दोनों अच्छे हैं, दोनों सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब कोरे की चीज हमारी ये क्लियर हो गई, बोल्ट ऑन की भी और ऑटोमेटिक ओरिजिनल इंजन पे सब चीजें, उम्मीद है आपको सब चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब ऑल्टो के बारे में बात करने से पहले भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अगर कुछ वीडियोस में ऊपर नीचे कहानियां हो रही हैं तो वो भी बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो है उसको बेहतर बनाएंगे। अब बात करते हैं ऑल्टो VXR पर, तो भाई ऑल्टो VXR की डिमांड तो आपको मैंने बता दी कि कोरे की तरह पैसे हैं, आपने गाड़ी ले ली ऑल्टो VXR, अब आप इसको ऑटोमेटिक इंजन डालने का सोच रहे हैं। अब ऑल्टो के अंदर जो है 4 इंजन लगते हैं K6A के, अगर आप उसके अंदर मीरा वाला डालेंगे, देखें ऑल्टो VXR के अंदर कोई दूसरा इंजन डालना बेकार है, मीरा वाला इंजन डालेंगे ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी। अब ऑल्टो VXR के अंदर 4 ऐसे इंजन हैं जो कि ओरिजिनल बोल्ट ऑन फिटिंग पर आ जाते हैं। नंबर 1, आपने चांद ऑल्टो का तो नाम सुना होगा, जूता ऑल्टो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पेंडल वाला इंजन आया नंबर 1 पर वो आ जाता है। नंबर 2, K6A सुजुकी की वाला इंजन, सुजुकी की गाड़ी का आपने नाम सुना है, नहीं सुना तो गूगल पर सर्च करें आ जाएगा, उसका इंजन आप ऑल्टो के अंदर लगा सकते हैं, बोल्ट ऑन फिटिंग पर आ जाता है। नंबर 3, सुजुकी सर्वो, आपने सुजुकी सर्वो गाड़ी का नाम सुना होगा, देखी भी होगी, नहीं देखा तो गूगल पर सर्च करेंगे आ जाएगा। नंबर 4, निशान मोको स्टिंगरे वेगनार जेपनीज, इन तीनों गाड़ियों के इंजन आप लगा सकते हैं, K6A 2012 मॉडल वाले, ये जो 3 गाड़ियों में आया, ठीक है जी। चारों इंजन में से सबसे बेस्ट कौन सा है, नंबर 1 सुजुकी की वाला इंजन सबसे बेस्ट है, और नंबर 2 K6A का 2012 मॉडल वाला। ऑल्टो VXR के अंदर ये चारों इंजन बोल्ट ऑन फिटिंग पर आते हैं, ठीक है, आप चारों में से कोई सा भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा इंजन है वो है K6A का 2012 मॉडल वाला इंजन, जो कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं लगातार माशाल्लाह से लगा रहा हूं गाड़ियों में, थोड़ा सा महंगा है लेकिन नई टेक्नोलॉजी का इंजन है, इंजन बहुत पावरफुल है और जानदार इंजन है, ठीक है जी। तो ऑल्टो VXR के अंदर ऑल्टरेशन वाला मीरा वाला इंजन भी लगाया है हमने, वो जब सोशल मीडिया फील्ड पर नहीं थे वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑल्टरेशन है, और वही बात आ गई कि कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, सुजुकी की गाड़ी है आप उसके अंदर 150 का इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है मेरी सारी बातों को जो अच्छी तरह समझ गए होंगे, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको नंबर मिल जाएंगे, वहां पर आप रब्ता कर सकते हैं, किस टाइप की वीडियोस चाहिए आपको, कौन कौन सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाऊं मैं, तो वो आप कमेंट में लाजमी बताएं, कमेंट पर जो है इंशाल्लाह अमल किया जाएगा आप लोगों के। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो पसीनों के साथ साथ आपके लिए और लेते हुए हैं। तो यहां पर हम करते हैं वीडियो का एंड, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।